8 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस भी इस बार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। कांग्रेस के विश्वास नगर से प्रत्याशी गुरुचरण सिंह राजू ने अपने इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें अभिनेता रंजीत सिंह और कांग्रेस नेत्री नगमा ने लोगों से कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील की। दिल्ली में सत्ता में वापसी करने के लिए दिल्ली के दंगल 2020 में कांग्रेस ने अपनी पूरी जान फूंक दी है। दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अपना खोया हुआ जन समर्थन वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विश्वास नगर से प्रत्याशी गुरवरण सिंह गली गली दरवाजे घूम रहे हैं और लोगों से कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच विश्वास नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू ने अपने इलाके में शुक्रवार को एक जनसभा की और अभिनेता रंजीत सिंह और कांग्रेस नेत्री नगमा ने भी शिरकत की। दोनों ही अभिनेताओं ने विश्वास नगर की जनता से गुरचरण सिंह राजू को वोट देने की अपील की। इस मौके पर नगमा ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और दिल्ली में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद जताई। इतना भी प्रगति और अच्छा काम अगर दिल्ली में देखने मिला है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। भाजपा 13 साल से MCD इलेक्शंस में है और MCD पे राज कर रही है, लेकिन वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाई है इस 13 साल में। और देख रहे हैं स्वच्छ भारत का अभियान किस तरह से पूरी दिल्ली में लगा हुआ है। इसके अलावा आपने भी बहुत सारे वायदे किए हैं, लेकिन अब तक तो जो अभी जिस तरह से अभी कुछ योजनाएं उन्होंने जस्ट अभी लागू की है 1-2 महीने से, बाकी इतने टाइम से तो कोई कॉन्क्रीट काम उन्होंने नहीं करके दिखाया। तो अगर आपको दिल्ली में कुछ कॉन्क्रीट नज़र आता है, दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे एक तरीके से नज़र आती है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से। गुरचरण सिंह की जनसभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए, जो अभिनेता रंजीत सिंह को देखने के लिए काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर रंजीत सिंह ने टोटल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि गुरचरण सिंह राजू के साथ उनका पुराना रिश्ता है और इसीलिए वो गुरचरण के लिए प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। लगातार प्रचार कर रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में? अच्छा लग रहा है यार, और मैं तो अपने भाई के लिए आया हूँ, राजू साहब के लिए, एंड बड़ा अच्छा आदमी है और बड़ी खुशी होगी। मैं ज़्यादा कैंपेन वगैरह कभी किसी का किया नहीं है, एक बार शीला जी का किया था, वो जीत गई थी, अब के बार ये जीत जाते और भी खुशी होगी। राजू जी के साथ पदयात्रा में भी लगातार आप चल रहे हैं, हम आपकी तस्वीरें देख रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, चल रहे हैं तो अब भाई है मेरा तो जाएंगे ना, है जी। अब तो नकारा थोड़ी करते हैं हम लोग, जनरली आए हो बॉम्बे से उनके लिए, परिवार के मेम्बर ही समझो, तो मेरी पूरी और अच्छा आदमी है यार, कई भाई खराब भी होते हैं लेकिन राजू साहब अच्छे आदमी है, तो आई वॉन्टेड टू कम हियर एंड शेयर माई हिज हैप्पीनेस विद मी। विश्वास नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू ने टोटल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विश्वास नगर में भाजपा का विधायक बनने के बाद विश्वास नगर काफी पीछे छूट गया है। जब विश्वास नगर से कांग्रेस के विधायक नसीब सिंह थे तब उन्होंने काफी काम किया था इलाके में, लेकिन आज इलाके में पानी सीवर की समस्या सबसे ज्यादा है और अगर वो विधायक बनते हैं तो इन तमाम समस्याओं का समाधान निकालेंगे। प्यार मिल रहा लोगों का बहुत संपूर्ण इतना मिल रहा है, बहुमत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इसका मैं जवाब नहीं बता नहीं सकता आपको। बहुत समर्थन मिल रहा होगा, इसलिए समर्थन मिल रहा है क्योंकि 15 साल नसीब सिंह जी जो कार्य किए, रतन सिंह पवार ने जो क्षेत्र में कार्य किए उसको लोग सराह रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 साल के अंदर इन्होंने नर्क बना दिया इन क्षेत्रों को, उसमें काम कोई किया नहीं। दिल्ली सरकार में कोई काम दिल्ली यहाँ पर नहीं हुआ, हमारे जो MLA साहब थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, दिल्ली सरकार ने तो हालत ही खराब कर दी। 4.5 साल तक तो कहते रहे कोई कि प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, अलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, तो भैया 6 महीने के अंदर लोगों ने तो सोचा कि काम तो कुछ किया नहीं है, तो उसके अलावा जितने काम कैसे लोगों पर जाएंगे, तो ना बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, बस फ्री कर दो, तीर्थयात्रा दे दो, अरे भैया इन चीज़ों से थोड़ा होगा। आज हवा के अंदर प्रदूषण की जो मात्रा चल रही है आनंद विहार में सबसे ज़्यादा है। पोल्यूशन के ऊपर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया आपने। कौन सा स्कूल बनाया दिल्ली के अंदर? एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया आपने, एक सड़क आपने नहीं बनाई, एक फ्लाईओवर आपने नहीं बनाया, तो क्या कार्य किया दिल्ली के अंदर आपने 5 साल के अंदर? जाहिर है कांग्रेस दिल्ली में सत्ता वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही है और उसके साथ दावा भी कर रही है, लेकिन 8 तारीख को जनता को फैसला करना होगा कि आखिर वो दिल्ली के सिंहासन पर किसको बैठाना चाहती है। टोटल न्यूज के लिए दिवांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट।